हेलो गाइस, वेलकम टू मेगा लैब्स एंड क्लासरूम। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है वेस्टर्न यूनियन जॉइंट ऑफ बैर कंडक्टर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेस्टर्न यूनियन जॉइंट बैर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले बैर कंडक्टर क्या होता है वो जान लेते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैर कंडक्टर? तो यहाँ पर आपको जो मिडल में एक लाइन दिखाई दे रही है उसके लेफ्ट हैंड साइड पर चार कंडक्टर दिखाए, वायर दिखाए हुए हैं। इन चारों वायर पर कुछ ना कुछ इंसुलेशन लगा हुआ है, पीवीसी इंसुलेशन है, रबर इंसुलेशन है या तो फिर वार्निश है। लेकिन लाइन की जो राइट हैंड साइड पर दिखाई है उसमें किसी भी प्रकार का इंसुलेशन यानी कि अवरोधक मटेरियल नहीं है, तो उसे हम कहते हैं बैर कंडक्टर। अब हमें वेस्टर्न यूनियन जॉइंट बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स इक्विपमेंट चाहिए वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा है स्टील रूल, कॉम्बिनेशन प्लायर, बेंच वाइस, वुडन मैलेट, हैक्सो। हमें इतने टूल्स इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा हमें रॉ मटेरियल की भी जरूरत पड़ेगी। तो कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए वो देखेंगे। तो हमें इसमें रॉ मटेरियल चाहिए बैर कंडक्टर जो कि कॉपर का यहाँ पर हमने यूज़ किया है जो कि 8 गेज का है, और कोई रॉ मटेरियल हमें इसमें चाहिए नहीं, सिर्फ हमें बैर कंडक्टर चाहिए। इसमें कॉपर की जगह कोई और भी मटेरियल हो सकता है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारे पास रॉ मटेरियल में कॉपर कंडक्टर है वो कॉइल में होता है, तो उसको पहले हम मैलेट की मदद से उसको सीधा कर देंगे। तो यहाँ पर वुडन मैलेट यूज़ कर रहे हैं और उसकी मदद से कंडक्टर को सीधा करेंगे। अब स्टील रूल देंगे हम, और स्टील रूल की मदद से उस पर कंडक्टर पर हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमने 30 सेंटीमीटर यानी कि 300 mm का हम मार्किंग करेंगे। ये हमने मार्किंग कर लिया है। अब इस मार्किंग पर हम हैक्सो लगाकर वहाँ से हम कंडक्टर कट कर लेंगे। तो हैक्सो की मदद से हम यहाँ पर ये कंडक्टर कट करेंगे। अब हमारा एक वर्क पीस तैयार हो गया है यहाँ पर 300 mm का। सेम उसी तरह से हम दूसरा एक 300 mm का कंडक्टर कट करेंगे। उससे पहले हम मैलेट से उसको सीधा कर देंगे, फिर से उसका हम स्टील रूल की मदद से 30 सेंटीमीटर का मार्किंग करेंगे, और 30 सेंटीमीटर का मार्किंग करने के बाद हम उसे कट करेंगे। तो हमारे पास ऐसे दो कंडक्टर्स हो जाएंगे, दो वायर्स हो जाएंगे 30-30 सेंटीमीटर का। हमारे पास दो वर्क पीस तैयार हो गए हैं 30 सेंटीमीटर के, दोनों हैं। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है बेंच वाइज, जिसको बेंच के ऊपर फिट किया जाता है इसलिए इसको कहते हैं बेंच वाइज। इसका जो जो होता है जहाँ पर हम मटेरियल फिक्स करते हैं उसको कहते हैं जो, और उसकी साइज़ पर ये डिपेंड करता है कि ये कौन सी साइज़ का हमारा बेंच वाइज है। तो हम अभी जो जॉइंट बनाने वाले हैं इसके लिए ये बेंच वाइज का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो बेंच वाइज का जो है वो 10 सेंटीमीटर का है। अब क्या करेंगे, जो हमारा एक वर्क पीस तैयार था 300 mm का, उस पर हम 100 mm का एक मार्किंग करेंगे यानी कि 10 सेंटीमीटर। दूसरे वर्क पीस पर भी सेम वैसे ही 10 सेंटीमीटर का एक मार्किंग करेंगे। अब हम इसको बेंच वाइज में फिक्स करेंगे जहाँ पर हमने मार्किंग किया है वहाँ तक। आप इसकी मदद से जो ओपन कर सकते हैं हैंडल की मदद से, और फिर उसको हैंडल की मदद से टाइट करके उसको फिक्स कर सकते हैं, जिससे हमारा वर्क पीस
फिक्स हो जाएगा, हिलेगा नहीं ज़्यादा। अब वुडन मैलेट की मदद से हम इस कंडक्टर को 45 डिग्री पर यानी कि 45 डिग्री पर उसको बेंड करेंगे। अब इसको निकाल लेंगे हम। उसी तरह से जो हमारा दूसरा वर्क पीस था उसको भी हम 45 डिग्री पर मोड़ देंगे, बेंड करेंगे। देखिए हमारे दोनों वर्क पीस जो है उसको हमने बेंड कर दिया है और उसको इस पोजीशन में रखना है, दोनों को ऑपोजिट पोजीशन में रखना है। अब जो बेंड किया हुआ पोर्शन है दोनों कंडक्टर का, उनके बीच का डिस्टेंस जो है हम 10 सेंटीमीटर मेंटेन करेंगे। हमारा जॉइंट कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ये जो हमारा फिक्स है इसको हम सेट करेंगे। ध्यान रखना है कि ये जो हमने पोजीशन सेट की है वो हमारी पोजीशन फिक्स रहे, इसीलिए हम यहाँ पर वाइस के अंदर उसको फिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई हमारा कंडक्टर हिल रहा है, फिक्स कर दिया हमने। अब आप कॉम्बिनेशन प्लायर की मदद से, मैलेट की मदद से, कोई भी टूल्स आप यहाँ पर यूज करके इसके ऊपर हम टर्न्स लगाएंगे। ये टर्न्स लगाते हुए ध्यान रखना है कि हमारे जो भी यहाँ टर्न्स लगा रहे हैं इसके ऊपर, कंडक्टर के ऊपर, वो टाइट हो, जिसकी वजह से ये खुल ना जाए और लूज ना रहे। ये हम जो हमारा बेंड किया वो पोर्शन होता है दूसरे कंडक्टर का, उसको हम पहले कंडक्टर के ऊपर इस तरह से रैप कर देंगे, कंडक्टर को उस पर बेंड करेंगे और आटी लगा देंगे, उसकी ट्विस्ट करेंगे। ये सेम प्रोसीजर हम दूसरे एंड पर भी करेंगे। ये वन साइड हो गया है, वैसे ही हम सेम टू सेम दूसरी तरफ भी करेंगे। देखिए लास्ट में जब हम दोनों तरफ से इसको बेंड कर देंगे और आटी लगा देंगे तो कंडक्टर हमारा इस तरह से हो जाएगा, और इसको दोनों तरफ से खींचने पर ये बिल्कुल टाइट रहेगा, ओपन नहीं होगा। ये आटी लगने की वजह से यहाँ से ओपन नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा वेस्टर्न यूनियन जॉइंट बनेगा। इसका यूज़ कहाँ पर होता है? तो इसका यूज़ हम करते हैं जहाँ पर ओवरहेड लाइन हो, जहाँ पर ये हैवी वायर यूज़ किया गया हो, तो वहाँ पर हम ये तार को लंबाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए इस कंडक्टर का यूज़ कर सकते हैं, जॉइंट का, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का, और ये काफ़ी मजबूत होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे वीडियो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर करते रहिए ताकि काफ़ी लोग इसको देख सके और जान सके। थैंक यू वेरी मच।